आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत मेहरू कला। पंचायत समिति सावर जिला अजमेर वार्ड पंच सत्तार मंसूरी ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देना हुए पंचायत में अधिक से अधिक विकास कार्य करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो आइए सुनते हैं खास मुलाकात में सुनील खिच्ची के साथ सत्तार मंसूरी जी के पंचायत में विकास कार्य के प्रति विचारों को। आज हम पहुंचे हैं विशेष तौर से खास मुलाकात करने के लिए ग्राम पंचायत मेहरू कला के वार्ड पंच और गोपाल मंडल के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के तो सत्तार जी मंसूरी, उनको आरपीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहले धन्यवाद। वार्ड पंच साहब, ग्राम पंचायत के अंदर सर मुद्दे तो बहुत होते हैं, अहम मुद्दा है वो शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीए लोगों डालेगा। तो सर वार्ड पंच होने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरपंच साहब उप सरपंच के साथ मिलकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या देखिए सर यहाँ पे क्या है कि जैसे सीनियर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, संस्कृत स्कूल है, लेकिन जो गर्ल्स की जो स्कूल है वो अभी तक भी मिडिल है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसको हम गर्ल्स को अलग से स्पेशल सीनियर स्कूल करवाने का प्रयास करेंगे। सर बात करते हैं दूसरा वार्ड पंच साहब, जो भ्रष्टाचार है सर, ये बहुत ही एक अहम कड़ी माना जा रहा है भारत के अंदर, काफी फैल रहा है, इसको मिटाने के लिए आप क्या समझाइश कर रहे हो या इसके अंदर क्या मुद्दे रहेंगे आप? देखो ऐसा है कि जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो पारदर्शिता आई है इससे बहुत फर्क पड़ा है, और भी इसमें जो प्रयास होंगे उसके लिए हम करेंगे और भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए। सर बात करते हैं दूसरा सर नशे की, छोटे छोटे बच्चे आजकल नशे की चपेट में आ रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं, जिनसे उनकी मानसिक स्थिति जो खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, इसको खत्म करने के लिए क्या समझाइश करो, अगर नशे के सौदागर है उनके पाबंद के लिए क्या कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, उनको रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी और युवाओं को भी जागृत किया जा रहा है जी, और और भी जो प्रयास होंगे। सर सर वार्ड पंच साहब बात करते हैं दूसरा, बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था, 1947 से देश आजाद हुआ है आज तक इस समस्याओं का कोई निवारण नहीं हुआ है। आपकी ग्राम पंचायतों में टोटल हमने कवरेज किया है सावर की और केकड़ी की, यहाँ आज भी हमने देखा है जो मटके उठा रही है औरतें, एक एक किलोमीटर दूर पानी ला रही है, तो ये जो सुविधाएं हैं इसके निवारण के लिए क्या चाहते हो आप प्रशासन को क्या करवाना चाहते हो? देखिए जो पानी की जो समस्या है वो यहाँ जैसे मान लो आप लगभग 20-25 साल से घर घर में नल कनेक्शन है और नल से पानी पहुँच रहा है घरों में, कुछ घर हैं जैसे अभी उधर लाइनें नहीं डल पाई है तो उनके लिए हम प्रयास करेंगे, वरना वैसे हमारे यहाँ पानी की ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिसलपुर से भी पानी आ रहा है, हमारे अलग व्यवस्था नदी में भी कुआं बना हुआ है, मोटर लगी हुई है, लाइन डली हुई है। और पानी की निकासी के लिए बिजली के लिए क्या है? हाँ बिजली की जो समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में एकदम ओके व्यवस्था थी और इस कांग्रेस राज में कभी बिजली की व्यवस्था सही नहीं रह पाई है ना, ठीक है, और ये सरकार हमेशा बिजली से ही आरती है और अब भी बिजली से ही आरेगी वापस, क्योंकि इनसे कोई मैनेजमेंट नहीं हो पाता है बिजली का, इसलिए बिजली की तो बहुत जोरदार समस्या है, किसान परेशान है, सर्दी का मौसम रहता है, रात में लाइट आती है और मेरे को बताओ आप कैसे क्या काम करेगा किसान खेत में, नहीं कर सकता है ना, तो इसके लिए तो लाइट की तो समस्या है अभी, लेकिन अभी क्या अभी अभी कांग्रेस राज है तो अभी तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी इसमें कोई बात कर नहीं सकते हैं, तो जब हमारा राज आएगा तो इसके लिए हमारी तरफ से पूरा व्यवस्था करवाएंगे। दूसरा बात करते हैं जो अभी गाइडलाइन जारी कर रखी है माननीय अशोक गहलोत जी, उन्होंने जो अपने सीएम साहब है कि ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, तो आपकी क्या राय है और आपका क्या विचार है इसके ऊपर? देखिए ये है तो कुप्रथा है जी, और वैसे होना तो बंद होना चाहिए, ये फालतू का खर्चा है, ये क्या है कि देखो गरीब आदमी होता है तो वो भी दबता है, जैसे उसको लाख दो लाख रुपए भी लगते हैं, पैसा नहीं है तो उधार लाके करेगा, जमीन बेचेगा, कुछ भी करेगा देखो, लेकिन उससे अपने को बहुत ज्यादा नुकसान ही है, ये तो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बंद होना चाहिए, पता क्या है सर, क्योंकि ये एक अचानक की चीज है, क्योंकि अगर शादी होती है या और कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी प्लानिंग करते हैं अपने इधर उधर से पकड़ के, इस ये तो अचानक मृत्यु हो गई और अचानक वो कर्ज लेना पड़ता है अपने को, तो ये तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी इसकी मान लो समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। तो वार्ड पंचायत दूसरी बात है स्वच्छता और स्वच्छता दोनों के अंदर आपकी ग्राम पंचायत का क्या चाहते हो आप, और इनको जो अपने पीएम साहब है नरेंद्र मोदी जी उन्होंने भी गाइडलाइन जारी की है, आपकी क्या राय है? देखिए स्वच्छता के मामले में तो अभी आपने कवरेज किया है गांव मेहरू कला, आपने देखा है जी, बिल्कुल, तो कचरे से अटा पड़ा है पूरा गांव, बिल्कुल पड़ा है, बहुत हालत खराब है, कीचड़ हो रखा है बहुत सी जगह,
पहले ये पूरे गांव में गंदगी थी, लेकिन ये अभी जो मोदी जी के आने के बाद में ये सीसी रोड हमने भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे गांव में बनाए हैं। ऐसी कोई गली आज गांव में नहीं है जहां पर रोड नहीं है। रोड हमने बना दिए हैं, लेकिन सफाई की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बिगड़ी हुई है, और इसको सुधारने के लिए हम पंचायत से मिलकर, सरपंच साहब से मिलकर इसकी एक अच्छी कार्य योजना बनाएंगे, और इस कचरे से निदान के लिए भी जो भी व्यवस्था होगी वो करवाएंगे। स्वच्छता के बारे में? हाँ, स्वच्छता के लिए भी हमारा जो जागरूकता कार्यक्रम रहता है हम करेंगे, और आयोजन इसके लिए युवाओं को भी जागृत करेंगे, सबसे मिलेंगे। और वर्धन साहब, दूसरा बात करते हैं सड़कों की, सर रोडों की, पीडब्ल्यूडी को क्या अवगत करवाना चाहते हो, क्योंकि आपकी कवरेज की है मेरुकला का, और जो तो रोडें सारी जो क्षतिग्रस्त हो सके, एक एक फुट के गड्ढे जो अभी रोड आ रही है, जो मान लो एकड़ी से जो नेशनल हाईवे से जो रोड फट रही है इधर, वो रोड पूरी क्षतिग्रस्त हो रखी है सर, एक एक फुट के गड्ढे है, उसके अंदर एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ रहे हैं, इसके लिए प्रशासन को या पीडब्ल्यूडी को क्या अवगत करवाना चाहते हो आप? देखो, अभी हमने हमारे सांसद महोदय को भागीरथ जी चौधरी को जो इससे अवगत कराया था, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से सांसद पोस्ट से इसके लिए 11 करोड़ की स्वीकृति जारी करवाई है, और इसके लिए बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा, और इस समस्या से निजात मिल पाएगा। बात करते हैं दूसरा सर युवाओं की, आप एक युवा वार्ड पंच बने हो, राजनीति के अंदर भी काफी समय से अग्रसर हो रहे हो आप, तो युवाओं के लिए क्या करना चाहते हो, क्या संदेश है आपके युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए तो ऐसा है साहब, हम रोजगार की थोड़ी समस्या है, और इसके लिए करना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ी समस्या यही है रोजगार, क्योंकि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो नशे के आदि हो जाते हैं, कुछ काम नहीं रहता तो वो क्या है कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो, तो इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के प्रयास करके इनको दिलाया जाए, ताकि आपका अपना जो राजनीतिक परिचय है सर वो क्या है? देखिए, मैं सबसे 18-20 साल की एज से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, और केकड़ी ब्लॉक का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चा केकड़ी, और इसके बाद मेरे को अभी सावर मंडल की जिम्मेदारी है मेरे पास, ठीक है, और इसके अलावा अभी ग्राम पंचायत मेरुकला में वार्ड पंच हूँ मैं। सर बात करते हैं बालिका शिक्षा में, अपने समाज में देखा जाता है बालिकाओं को हर क्षेत्र के अंदर पीछे रखा जाता है, वैसे तो अपने लड़के हैं उनसे अव्वल आ रही है हर क्षेत्र के अंदर बालिका, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारा ये रहेगा कि भाई जो परिवार है उनसे बालिकाएं जैसे नहीं भेज पा रहे हैं पढ़ने के लिए या कुछ, तो उनको जागरूक करेंगे और बालिकाओं को शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। सर बात करते हैं कोरोना महामारी की, ग्राम पंचायत के लोग भी आपको देख रहे हैं, तो सर जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उसके बारे में पालना करवाइए, और ये काफी बढ़ रही है कोरोना महामारी, और अगर ज्यादा बढ़ती है तो इसके समाधान के लिए क्या निवारण चाहते हो, प्रशासन को क्या अवगत करवाना चाहते हो? प्रशासन से तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इसका थोड़ा सख्ती से पालन करवाया जाए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वगैरह लगाना है, इसके लिए थोड़ा जागरूक करके थोड़ा सख्ती से लागू करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो इसके लिए हम प्रशासन को भी अवगत कराएंगे, और कि भाई थोड़ा इसको सख्ती से थोड़ा इसको लागू किया जाए। वार्ड पंच मेरुकला के हमारे साथ हैं, उनका बोलना है जो कोरोना महामारी है इसका इलाज है, इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं तैयार हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसे बचा भी जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की प्राथमिकता हाल की जाए तो, जैसे घर से बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर जोर जोर से हाथ धोते रहें। तो मैं सुनील खींची राजस्थान में आज के न्यूज़ में, वार्ड पंच साहब 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।